दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दें। हम लाते रहते हैं ने -ने और आपके लिए लाता रहता हूँ ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया और केस स्टडीज जिससे कि आप प्रोत्साहित हो और अपना बिजनेस शुरू करें आप आत्मनिर्भर बने इसलिए मैं यहाँ पर आज उसी अध्याय में एक और वीडियो लेके आया हूँ एक कमाल का बिजनेस आइडिया के साथ मैं हाजिर हूं आप सबके समक्ष तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आप कोई वीडियो मिस ना करें आज जो मैं आपसे बिजनेस डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही कमाल का बिजनेस है वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारे घरों में जिप्सम चैनल या सीलिंग चैनल का फ्रेम देखा होगा तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो चैनल कैसे बनती है और कितना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है कितना मशीनरी की जरूरत होती है कितना मैन पावर लगेगा और कितना जगह लगेगा कौन सा लाइसेंस लगेगा सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ और कमाल की बात मैं अपने हर एक वीडियो में एक स्पेशल चीज जरूर आपको बताता हूँ कि आपको सेल कैसे करना है वो स्ट्रेटजी क्या है कहां पर जाके आपको विजिट करें ताकि आपकी सेल्स अच्छी हो तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में तो अंत तक जरूर देखिएगा एक भी पॉइंट अगर मिस किया आपका लॉस हो सकता है तो आइए सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि हमारी सीट्स बनती कैसे हैं जिप्सम चैनल में टोटल चार टाइप के चैनल रहते हैं पहला जिप्सम चैनल पट्टी दूसरा जिप्सम इंटरसेक्शन तीसरा पेरीमीटर चैनल और लास्ट में जिप्सम वाल एंगल ये चार चैनल मैनली उसे होती है जिप्सम फ्रेम में आइए हम जान लेते हैं कि जिप्सम चैनल बनती कैसे है तो प्रोसेस ये रहा तो दोस्तों यह मशीन आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी जिसमें अभी आपको प्रोसेस दिखाया जा रहा है जो गलवेनाइज आयरन शीट है फर्दर पूरा डिटेल मिलेगा इस वीडियो में तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो आपको सारी डिटेल मिलेंगी लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड भी मशीनरी का आपको खरीदने का नंबर दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में अब वहाँ से खरीद सकते हैं या आप ओपन मार्केट से भी मशीनरी खरीद सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको मशीन दिखाई दे रहा है ये चार इन एक मशीन है जिसमें आप टोटल चार चैनल एक ही मशीन में बना सकते हो आपको कोई रोलर या डाई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है जिप्सम की चार चैनल आपको एक ही मशीन में बन जाएगी ये यहाँ पर आप अभी देख रहे हो रोलर से सीट पास हो रही है ये रोलर को जिप्सम रोलर भी बोला जाता है इन्हें आपको फीलर गेज की मदद से यहाँ पर सेट करना होता है फीलर गेज जो होता है वो इन रोलर्स के बीच में भरा जाता है जिससे आपको अंदाजा लग सके कि आपका चैनल की थिकनेस कितनी रखनी है ये सारे रोलर्स जो है ये प्रोफाइल देने के काम आते हैं ये मशीन पूरी ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें आपको कोयल ही चढ़ा देनी है मशीन में ऑटोमेटिक फार्मिंग हो जाएगा और कटिंग भी अपने आप हो जाती है वैसे मार्केट में जिप्सम चैनल की लंबाई 8 फीट और 12 फीट रनिंग होती है जो इस मशीन में निकल जाएगा मशीन का रोलर आप देख रहे हो ये पूरा हाई स्पीड मटेरियल में बना रहता है इसको ऊपर हॉट किया जाता है ताकि मशीन के रोल को चार साल तक कोई डैमेज ना हो और कटिंग डाय का मटेरियल डब्ल्यू का रहेगा उसमें एक मैनुअल मशीन भी आता है जिसमें मैन पावर की जरूरत ज्यादा रहती है ये वीडियो में आप देख रहे हो वह चार चैनल वाला मशीन है इसमें तीन चैनल वाला दो चैनल वाला और सिंगल चैनल वाला भी मशीन आता है अगर आपको मशीन खरीदनी है तो आप कृपा इंडस्ट्रीज राजकोट से कांटेक्ट कर सकते हो उसका मोबाइल नंबर नौ शून्य एक एक पाँच 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 नौ है यहाँ पर जो मशीनरी दिखाई जा रही है इनके रेट वेरी कर सकते हैं जो आपको वीडियो में बताए गए हैं इसलिए आपको मेरी उचित राय है कि आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लें, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं अब मैं यहाँ पर आपको बता दो कि आपका रॉ मटेरियल क्या क्या होगा रॉ मटेरियल आपका बेसिकली दो तरीके का होता है एक जी जिसको बोलते हैं गेलवेनाइज आयरन इसमें क्या होता है जिनकी कोटिंग होती है सीट पर तो वो सिल्वर कलर में चमकती रहती है और ये थोड़ी होती है रस्ट रेसिस्टेंस होती है मतलब इसमें जंक आपका बहुत धीरे लगता है क्योंकि अगर आप क्यों आयरन की सीट अगर डाल देंगे तो वहां पर डस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इसलिए कलर कोटिंग लगाई जाती है इसमें भी रस्ट आएगा लेकिन जब तक जिनकी कोटिंग पर बनी रहेंगी तब तक नहीं आएगा तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी दस साल तक होती है ये मटेरियल में दो टाइप के ग्रेड रहते हैं एक प्राइम मटेरियल आता है जो टाटा कंपनी या जिंदाल या फिर एसआर का रहता है और दूसरा रनिंग मटेरियल रहता है इसमें आपको साइनिंग थोड़ी कम रहती है ये चाइना का मटेरियल रहता है वह थोड़ा सस्ता मिलता है मटेरियल की रेट की बात करें तो अभी प्राइम मटेरियल का रेट पैंसठ रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से मिलता है अब आइए बात कर लेते हैं कि आपको एरिया कितना जरूरत होगा क्योंकि ये ज्यादातर वीडियो में आपको नहीं बताया जाता है दोस्तों मेरी आपको राय है कि आपके पास कम से कम एक हजार स्क्वायर फीट एरिया जरूर हो क्योंकि आपको मशीन भी लगानी है और आपकी जो सीट आपका मतलब फिनिश गुड्स है जो जिप्सम चैनल है उनको शुरू करने के लिए भी आपको स्पेस रिक्वायरमेंट होगी तो एक हजार फीट आपको एरिया सफिशियंट होगा अब आइए बात कर लेते हैं मैन पावर की मैन पावर आपको जो लगने वाली है दो हेल्पर और एक आपको फिटर टाइप में आदमी चाहिए होगा जो मशीन का सेटिंग कर सके और मशीन को ऑपरेट कर सके अगर आपके फैक्ट्री में ओवरहेड क्रेन है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो आपको मैनुअल क्रेन का यूज करना पड़ेगा दूसरा जो आपको चीज बचती है जो मैं अपने हर वीडियो में एक स्पेशल चीज बताता हूँ वो ये है कि आपको सेल कहाँ करना है सेल करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रहा होता है वहां आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा दूसरा जो आपने सीट डीलर होते हैं और जितनी भी हार्डवेयर की शॉप रहती है उनसे आप संपर्क कर लीजिए आप ऑनलाइन भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज जो कि है प्रॉफिट आप अगर रिटेल में जिप्सम चैनल बेचते हो तो 30% से 50% तक मुनाफा कमाएंगे और यही पर अगर आप होलसेल में बेचते हैं यानी कि किसी डीलर्स को बेचते हैं तो आप 20 प्रतिशत से लेकर के 25 प्रतिशत तक मुनाफा कमा पाएंगे अब मशीनरी इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं जो मशीनरी मैंने आपको दिखाई है वो पूरी ऑटोमेटिक मशीन है और वह आपको आठ से नौ लाख पचास हजार रुपये मिलेगी आप इसमें और हल्की मशीन आती है जिसमें थोड़ा मैनुअल टाइप का होता है वो मशीन भी आप परचेज कर सकते हैं वहां आपको सात लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर आपको सिंगल चैनल वाला मशीन चाहिए तो वह आपको चार लाख पचास हजार में भी मिल जाएगा अगर आपके पास अच्छी पूंजी है तो ये बिजनेस बहुत ही कमाल का बिजनेस होने वाला है तो अब बात कर लेते हैं लाइसेंस की इसकी दोस्तों लाइसेंस के लिए आपको एक मात्र लेना होगा जीएसटी लाइसेंस जीएसटी लाइसेंस लेकर के आप शुरू कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे उसके बाद आपको और भी रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे जैसे एन वगैरह जो नगर निगम से लेनी होता वो सारा कुछ आपको लेना पड़ेगा अब आपको मशीन कहाँ से परचेज करनी है आपके लिए पूरा मार्केट खुला हुआ है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छी मशीन मिले तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वहां से आप मशीन परचेज कर सकते हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया मशीन डीलर का तो सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताए कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आईकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचे थैंक यू